हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सीटेट को लेकर और सीबीएसई की तरफ से पब्लिक नोटिस जारी कर दी गई है ना फ्रेंड्स। और ये आपका 16वां एडिशन है जो कि अभी आप सभी के स्क्रीन पर ऑफिशियली नोटिस जारी कर दी गई है, जिसे आप सीटेट के वेबसाइट यानी कि seetet.nic.in पर जाकर देख सकते हैं। यहाँ पूरा फी दिया गया है, क्वालिफाइंग मार्क्स आप सभी को इस वीडियो में बताया जाएगा, साथ ही साथ चेंजेस क्या हुए हैं बहुत ही सेपरेट तरीके से इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम डेट देख लेते हैं कि फॉर्म आपके कब से फिलअप किए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपका जो फॉर्म डेट है वो 31 अक्टूबर यानी कि सोमवार से आप सभी का फॉर्म भरा जाएगा। और फॉर्म कैसे भरना है सब कुछ आप सभी को बताया जाएगा। और साथ ही फ्रेंड्स, यहाँ जो अंतिम तिथि रखी गई है वो 24 नवंबर तक इसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे। शुल्क आप 25 तक सबमिट कर सकेंगे, ठीक है। वही अगर फ़ी की बात की जाए तो फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हैं, यहाँ सामान्य और ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए फर्स्ट या फिर सेकंड पेपर, मतलब फर्स्ट और सेकंड पेपर दो पेपर आपका होने वाला है, ठीक है। एक पाँचवीं तक होगा और एक आपका आठवीं तक, जो कि आप सभी इससे बहुत अच्छे तरह से अवगत हैं। तो अगर आप दोनों पेपर भर रहे हैं तो फ्रेंड्स आपको 1200 रुपये देना होगा, या फिर अगर आपका ओनली फर्स्ट या फिर सेकंड पेपर भर रहे हो तो फिर आपको ओनली 1000 पे करना होगा। तो हम यहाँ आपको सजेस्ट करेंगे कि आप दोनों पेपर भर दीजिए, 200 एक्स्ट्रा लगेगा, कोई बात नहीं, ठीक है। और साथ ही यहाँ जो भी रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, SC ST विकलांग है ना, उनके लिए 500 रुपये एक पेपर के लिए, और साथ ही अगर आपका दोनों पेपर आपको फिलअप करना है तो 600 रुपये पे करने होंगे। तो ये हो गया आपका फॉर्म फी, ठीक है। और साथ ही फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ एक अच्छी सुविधा आप सभी को ये दिया जा रहा है, क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था ना, आपने देखा होगा कि जो आपका परीक्षा केंद्र है, जो सेंटर है, वो बहुत ज़्यादा दूर गया था, जिसमें कैंडिडेट्स को आने जाने की दिक्कत हो रही थी। तो इसी को लेकर कुछ अपडेट किया गया है और कहा गया है पहले आओ पहले पाओ, यानी कि अगर आप फॉर्म पहले अप्लाई करते हैं और जो भी डिस्ट्रिक्ट आप चूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको सेंटर प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि आपकी परीक्षा वही होंगी जहाँ आप चूज करेंगे। अदरवाइज फ्रेंड्स, लेट कंडीशन में ये होगा कि थोड़ी सी, मतलब ये बना रहेगा कि हाँ आपका जो पेपर है वो अलग डिस्ट्रिक्ट में जा सकता है ना। तो यही बात कहा गया है, अलग शहर में जा सकता है। और ये अपने क्षमता के अकॉर्डिंग ये इन्होंने बात कही है कि आप पहले फॉर्म भरेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपका सेंटर आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। सारी बातें इसमें मेंशन की गई है। तो इस बार ये चेंजेस देखने को मिला है, क्योंकि फ्रेंड्स कहीं ना कहीं आप सभी ने देखा होगा पिछली बार कैंडिडेट बहुत परेशान हुए थे, ठीक है। और रही बात आपका पेपर पैटर्न, तो फ्रेंड्स जिस तरह से प्रीवियस पेपर हुआ, क्योंकि उसमें ही बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल गए, आपके लॉजिकल वाले क्वेश्चन देखने को मिल गए, तो इस बार भी पेपर आपका वही मॉडरेट ही रहेगा। बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और पेपर आप सभी का बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब ये बात आ जाती है क्वालिफाइंग मार्क्स कितने चाहिए आप सभी के। तो फ्रेंड्स, आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है, यानी कि आप जो है कितने नंबर लाएंगे ताकि आप सुपर टेट के लिए एलिजिबल हो सकें। तो यहाँ बात की जाए जनरल कैंडिडेट के लिए, तो जनरल कैंडिडेट को यहाँ 60% लाना है, यानी कि 150 नंबर का आपका पेपर होगा, जिसमें से 90 नंबर आपका करेक्ट होगा, मतलब होना चाहिए, और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग वाली बात नहीं होगी, यानी कि आप 150 में से 150 क्वेश्चन टिक करेंगे, जिसमें आप सभी के 90 क्वेश्चंस करेक्ट होने चाहिए, देन जो है। और इसमें फ्रेंड्स आप सभी को नॉर्मलाइज नंबर भी दिए जाएंगे, शिफ्ट वाइज आपका ये पेपर होता है, तो कौन से शिफ्ट में कैसा पेपर आया, इजी आया, मॉडरेट आया, हार्ड आया, उस हिसाब से आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, देन आपको नंबर प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन आपका एक टारगेट होगा कि कम से कम 100 क्वेश्चन आपको करेक्ट करने ही करने हैं, खासकर जनरल कैटेगरीज की बात की जाए। वही बात की जाए OBC एंड SC एंड ST कैंडिडेट एंड अदर्स रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स की, तो आपको यहाँ 55%
जो है नंबर लाने होंगे, यानी कि बात कीजिए 150 नंबर का पेपर है तो आपको 82 क्वेश्चंस करेक्ट करने होंगे, ठीक है। बाकी नॉर्मलाइज के तौर पे देखा जाए तो आपके नंबर्स कम ज़्यादा हो सकते हैं, तो अपने आप को सेव करने के लिए आप 90-95 प्लस करके चलिए, ताकि नॉर्मलाइजेशन में घटे या फिर बढ़े आपके मार्क्स पे कोई फ़र्क ना पड़े। तो आई होप कि अब आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। बाकी फ्रेंड्स, सीटेट का सिलेबस अगर आप सभी को बहुत ही डिटेल्स में चाहिए तो फ्रेंड्स आप कमेंट बॉक्स में यस करिएगा, जल्दी आप सभी को प्रोवाइड की जाएगी। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाइएगा, जो भी आपके दोस्त फ्रेंड्स हैं उनको ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।